सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज का मौसम काफी अच्छा है और कल है होली और आज चल रही है हमारी प्रेपरेशन। हेलो सौरभ। तो सौरभ पिछले 10 मिनट से होली के रंग ढूंढने लगा हुआ है, उसने वहां से स्टार्ट किया था पिछली अलमारी से और यहाँ पे जाके तो तुम्हें होली के रंग मिलेगी नहीं। तो फिर तो ऑर्डर ही करने पड़ेंगे। ये कह रहा था कि मैं तो पैसे बचाता हूँ, पहले मैं पुराने रंग ढूंढूंगा फिर ही मैं नए रंग के मिले। तो गाइस आज हम लोग थोड़ा होली का प्रेपरेशन करेंगे, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने के। ये रंग मिल गए, ये पूरे ऑर्गेनिक रंग है गाइस, पिछले साल के पड़े हुए हैं और हम लोग थोड़ी डेकोरेशन भी करेंगे ताकि एक माहौल जरा क्रिएट हो जाए होली वाला। यार इसके साथ डेकोरेशन वाली कहाँ है, ये तो सारे बर्थडे की डेकोरेशन है। तो यही लगा लो, कोई बात नहीं, होली पे बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। सौरभ तुम्हारी पहले से ही इधर पड़े, इधर ही पड़ा, यहाँ से निकाल लो। खाने पीने का सामान भी लेके आते हैं। ये रहा एक तो डेकोरेशन का सामान और एक उधर भी पड़ी हुई है लाइट्स वगैरह। ये मुझे सुबह से मेरा दिमाग खा रहा है और बोल रहा तू तो निकालेगी नहीं, मैं ही निकालता हूँ। अरे यार आज कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। डेकोरेशन का तो सारा सामान हो गया, अभी पता खाने पीने का क्या अरेंजमेंट है। खाने पीने का बस चाहिए जब देखो। Hey guys, welcome back to Rechant Sora World। और आने वाली है होली और होली का त्यौहार है और हम लोग कर रहे हैं प्रेपरेशन, थोड़ी सी डेकोरेशन और ठंडाई। गाइस हम पहली बार ठंडाई तैयार करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने रेसिपी देखी है यूट्यूब से और मैंने सोचा मैं उसको ट्राई करती हूँ कि कैसी बनती है। तो रिचा बता दो फिर हमारी देसी ठंडाई कैसे प्रिपेयर करने वाली हो। देसी ठंडाई होने वाली है मिल्क से प्रिपेयर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ऑलरेडी लिया है तो मैं इसमें 2 ग्लासेस दूध डालने वाली हूँ और उसके बाद मेरे पास कुछ और सामान है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अगर आप अपने घर पे आराम से ट्राई कर सकते हो गाइस। मैंने लिया है ये थोड़ा सा सिनेमन, इसका इतना सा लेना है आपको पीस, जैसे होता ना एक चुटकी टाइप का। एक चुटकी संदूर, एक चुटकी सिनेमन, एक चुटकी सिनेमन की कीमत तुम क्या डालो रमेश बाबू। ये लिया मैंने 1 स्पून सौंफ। पर ये तो मिश्री वाली सौंफ है। हाँ तो मैंने मतलब सौंफ निकाल दी थी अंदर से मिश्री। अच्छा, को देसी, कर दिया देसी काम कर लिया था। मेरे पास ऐसे एक्स्ट्रा नहीं थी तो मैंने 3-4 इलायची ली है। चलो ये भी सही है। साथ में लिए है 4-5 पीसेस बादाम के। ठीक है। और साथ में मेरे पास था रोज पेटल, थोड़ा सा कहते ना कि वो रेडनेस आ जाएगी। ये भी तो ग्रीन टी से रोज पेटल निकाल दिया। हाँ रोज पेटल तो जुगाड़ कर रही हूँ ना, देसी जुगाड़। तो गाइस ये जो मिक्सर है 4-5 चीजों का जो मैंने अभी आपको बताया, इसको मैं इसके अंदर जिसमें आलू प्याज टमाटर करती हूँ उसमें मैं अच्छे से मैश कर लूंगी और ग्राइंड कर लेगी ना। मतलब उसमें मैश करके अच्छे से एक पेस्ट प्रिपेयर करूंगी, ग्राइंड कर लेगी। हाँ तो प्रिपेयर करने के बाद मैं जो उबलता हुआ दूध होगा ना, जैसे ये अभी देखिए आप उबल रहा है दूध, उबलता हुआ दूध उसके अंदर डालूंगी एंड फिर हमारी रेसिपी होगी कम्प्लीट। लेकिन आप लोगों को दिखाएंगे तो बने रहिए। यहाँ पे मेरा दूध का पूरा खराब हो गया है ये देखिए। तो इधर देखते हैं सौरभ वाओ। हाँ तो तुम पीछे देखो तुम्हारी डेकोरेशन खराब हो गई। तुम काम ही ढंग से करते हो। तू खुद तो हेल्प नहीं करा रही मेरी, पापा से डेट नहीं बनाई जा रही है, ये बार बार गिरी ये क्या लगाया। समझ नहीं आ रहा होली हो रही है कि दिवाली हो रही है। पहले ये तो बताओ होली है कि दिवाली है। ये मिक्स है क्या? ये ना तो होली है ना दिवाली है, ये तुम्हारा ना ठुठू गवाच है। पंक करा दे 2 मिनट ये लो। तो गाइस मेरा तो पूरा डेकोरेशन हो चुका है, अभी क्या करेंगे थोड़ा म्यूजिक लगा लेंगे और थोड़ा बहुत सामान बाहर से ले आएंगे खाने पीने के लिए और अब देखते हैं कि रिचा की ठंडाई कैसे चल रही है। यार मेरी ठंडाई का तो स्टार्टिंग से पूरा खराब हो गया, दूध तो पूरा ही उबल गया, वापस कर लेंगे। अरे ये तो बहुत डबल मेहनत होगी हमारे लिए। तो ये है दूध और ये है
और हम इसके अंदर ये जो है पेस्ट वो डाल देते हैं। देखिए ओह शिट, पेस्ट के साथ साथ ये हमारा ग्राइंडर भी बाहर निकाल दिया रिचा ने। ये तो ऐसा है कि यार मेरी कुकिंग थोड़ी ऐसी थी है। चलो कोई बात नहीं, हमारा एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, प्रोसेस नहीं। और गाइस अगर आपको जैसे ज्यादा ठंडी पसंद है तो हम इसके अंदर एक पीस बर्फ का भी डाल लेंगे। लेट्स टेक टू ग्लासेस फ्रॉम देयर एंड उसके बाद हम लेते हैं बर्फ। आइस, आइस कहाँ पड़ी है? ओके सो दिस इज आइस। तो गाइस आइस भी रेडी है, तो ठंडाई हमारी रेडी हो रही है। सौरभ आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल, पता नहीं कितने सालों बाद पीने वाला ठंडाई। हाँ तो ये हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे फ्रिज में, कल पियेंगे जब होली आए। इसके अंदर हम डाल रहे हैं हनी, आप डाल दो, चीनी भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। हम लोग एक एक चम्मच हनी डाल रहे हैं कि देखते हैं हनी डाल के कैसा टेस्ट आता है इसका। और ये गाइस ये जो हनी है ना, ये स्पेशली इंडिया से छतों से निकाल निकाल के रिचा ने लेके आई है। ये बिल्कुल ही मतलब प्योर हनी है। मेरी मम्मा ने मुझे दिया था और मैंने इसको साथ में लेके आई थी पैक करके। तो ये गाइस ठंडी हो गई है, अब मैं इसको डाल रही हूँ शहद वाले गिलास में। वाओ ये डल रही है, ज्यादा नहीं बनी, ठीक है जितना भी पहला एक्सपेरिमेंट था दोनों के लिए। और अब इसको रख देंगे फ्रिज में। यस, तो ये देखिए यार, लड़कियों की ना एक हैबिट ऐसी है कि उनको ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जैसे ही इसने देखा है कि लिफाफे यहाँ पड़े हैं ना, फटाफट आ गया इसको ऊपर रख के सब। हाँ तो संभालने का काम ना सारा रिचा को होता है, मेरा काम होता है गंदगी डालने का। तो ये देखो एकदम स्माइल को देखो, जैसे सफाई करती है ना उसके मुंह पे सफाई। ये मैं अब इसमें क्या बोलूं यार, रिचा काम करना तू ही कर दे, तू एक्सपर्ट है इसमें। चल जो है अब उसी से करते हैं। तो हमारा म्यूजिक सिस्टम भी रेडी है कल के लिए, सब कुछ। मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल अटैक करना है रंगों का, वो भी सौरभ के ऊपर होने वाला है। सौरभ आर यू रेडी? मैं तो उठ के ना, मैं तो तेरे को सोते सोते लगा दूंगा। सोते सोते लगाओगे? ये बैठ कर गंदा किया ना, तो फिर देख लेना तुम। बालकनी में खेलेंगे, आराम से खेलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट करके अपना और बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए, जो भी हमें चाहिए होली की प्रेपरेशन के लिए। और अभी फटाफट चाय पी के ब्रेकफास्ट करके आपको सीधा बाहर मिलते हैं मार्केट में। गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं और सौरभ का सड़ा हुआ मुंह बना हुआ है, क्योंकि ये बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना लेने के लिए और मैं इसको जबरदस्ती लेके आई हूँ। और पुलिस 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 वॉइस क्लाउ डूब जाएगा, जल्दी पढ़ के ले जाए। मार्केट में आ रहे हैं तो इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज 1000 pound का फाइन है। तो हम जाते हैं फटाफट मिठाई और खाने पीने का सामान लेते हैं, होली वाली वाइब्स लेके आते हैं और फिर कल आप लोगों से मिलेंगे। दो होली वाली वाइब्स आ गई। नहीं मतलब होली वाली वाइब्स तैयार करते हैं और फिर हम लोग आप लोगों से कल मिलेंगे जब हम सेलिब्रेशन करेंगे। गाइस ये रही वो दुकान, ओमकार स्वीट्स, प्योर वेजिटेरियन। गुजिया इज हेयर, हाँ चाहिए है? चलो ले लो फिर, गुजिया ले लेते हैं, बहुत बेस्ट रहेगा है ना। और इनमें से कुछ ले लेते हैं। ये है यहाँ पे हमारी इंडियन मिठाई वाली शॉप, जहाँ पे हमें इंडियन खाना मिलता है। यहाँ पे पार्ले जी वगैरह रखा हुआ तो गाइस हम लोगों ने ले लिया है सामान, हमें गुजिया भी मिल गया और क्या मिला हमें, ढोकला भी मिल गया और साथ में एक दो चीज और ली है, मतलब ये मुठिया बोलते हैं, पता नहीं मुठिया, हाँ जो भी मिला हमने ले लिया और हमारे आसपास ही मिल जाता है, तो सबसे अच्छी बात ये है। इस वीडियो को हम यहीं पे ही रखते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी कल। हाँ जी, और उसमें हम लोग अपना होली सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, छोटा सा प्यारा सा लॉकडाउन वाली होली, जो कि घर में खेलेंगे, मैं रिचा को रंग डालूंगा, वो मेरे पे डालेगी, और थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे पर, मैंने कुछ सोचा है इसके ऊपर प्रैंक करने के लिए, तो लेट्स सी, वो आपको कल ही बताऊंगी मैं। पहले बता दिया प्रैंक है, ओके तो मुझे रेडी रहना है, रेडी रहना तुम्हें। अब हमारे चैनल पे नए
हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए, और बाकी लोग से शेयर कीजिए, और बाय बाय।